फतेहपुर में सोमवार को कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित अनेक नेता मौजूद रहे। इस मौके पर फतेहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया ने सभी नेताओं का स्वागत किया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि यहाँ से लोग उन्हें भारी मतों से जीत दिलाएंगे। इस अवसर पर हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे लोग तंग हैं और केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि घर घर जाकर भवानी पठानिया के प्रचार की ओर आम जनता को महंगाई के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि ये आम कार्यकर्ता का चुनाव है। वहीं इस अवसर पर कन्हैया कुमार ने कहा कि आज लोग केंद्र सरकार की नीतियों से तंग हैं और ये सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, जिससे देश को नुकसान हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने भाषणों में कि मैं कुल्लू का प्रभारी हुआ करता था, मैं हिमाचल का प्रभारी हुआ करता था और ये हिल का आंचल इस देश का शीर्ष है, जिसका नाम बेच करके वो देश के शीर्ष पद पे बैठे हैं ना, उनकी हार की इबारत भी यहीं से लिखी जानी चाहिए। ये चुनाव इसलिए जीतना जरूरी है कि हमको इनको उत्तर देना है, मुंहतोड़ जवाब देना है। वैसे इनके पास कोई सवाल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस वाले तो महल में रहने वाले हैं, ये लोग सत्ता में बैठ करके भी कुर्सी पे बैठ गए हैं ऐसा आत्मविश्वास नहीं ला पाते। सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन विपक्ष की तरह भाषण देते हैं। महाराज, आप सत्ता में हैं, आप देश के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुंह से महलों की भाषा शोभा नहीं देती है। और अगर आपको इतना ही तकलीफ है तो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकल करके झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दीजिए। अपना पर्सनल गाड़ी छोड़ करके खर्चा भी चलना शुरू कर दीजिए। बाहर में बहुत कामयाब है खर्चा करके, ये बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। और आप अगर कांग्रेस पार्टी के नेता को यह आरोप लगाते हैं कि वह राजा थे राज्य के नहीं, राज्य में रहने वाली जनता के दिलों के राजा थे, क्योंकि अगर कोई किसी के दिल का राजा नहीं होगा तो 22 साल तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। जनता वोट देकर के जो है उनको अपना मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन विडंबना यह है कि जो हमारी तरफ बात करने वाले थे, जिन्होंने ये दावा किया कि वो गरीब का बच्चा है, चाय बेचने वाला का बच्चा है, अफसोस की बात है कि वो राजा जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर वो राजा जैसा व्यवहार नहीं कर रहे होते तो 20,000 करोड़ का महल नहीं बनवा रहे होते। सेंट्रल विस्टा 20,000 करोड़ का महल बनाया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।